हैप्पी हैप्पी बिस्किट खा रहा हूँ, हैप्पी हैप्पी है देखो उनको, देखो वो भी फुल मजे में। जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज है हमारा मुंबई से राम मंदिर अयोध्या पैदल यात्रा का 10वां दिन, और अभी सुबह के 7 बज रहे, और अभी सुबह का मतलब इतनी जबरदस्त ठंड है और इतना मौसम एकदम कूल है ना फ्रेंड, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा जमा है। और हम जहाँ कल रुके हुए थे ना टिकरी गांव में, जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, इसके अंदर हम टिकरी गांव में रुके हुए थे होटल में, तो वहाँ से अभी निकल के मेन हाईवे पे आ चुके हैं। तो ये देखो, जैसा देख सकते हैं हम मेन हाईवे पे आए हैं, और मेरे हमारे पीछे देखिए ये जस्ट निकलते ही सामने चाय की दुकान भी दिखी है। तो अभी चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर आगे निकलते और देखते आगे की जर्नी कितनी मजबूत होने वाली है, और आज की जर्नी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी जो 9 दिन की जर्नी थी वो तो काफ़ी ज़बरदस्त और सुपर हिट रही। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार ज़ोर से बोलिए जय श्री राम। टिकरी गांव में रुके हुए थे, और जस्ट यहां से अभी ज़्यादा नहीं 300-400 मीटर चलने के बाद हम आए हैं। अभी ये मेन हाईवे है, हाईवे पे आने के बाद ये सामने देख रहे हैं आप मंत्री जी की चाय, क्या नाम रखा है मंत्री जी की चाय। चाय के बिना सुबह अच्छी नहीं होती फ्रेंड्स, तो अभी चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम ना चाय पीने के बाद निकल चुके हैं, और निकलने के बाद ना फ्रेंड मैं सब बोलूँ आज में ना मुझे एक बात सबसे बेकार लग रही है, ठिकरी गांव से ना निकलने के बाद हमें पुलिस हमारे पीछे तो है लेकिन हमें गाड़ी की कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो फ्रेंड गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि गाड़ी की सुविधा दे, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा सामान से ना जो हमारा सत्कार वगैरह हो रहा, जो एक्स्ट्रा सामान दे रहे हैं जो लोग दे रहे हैं, वो हम हाथ में लेके कैसे चले फ्रेंड। और ये एक तो बैग इतना लोड हो चुका है और हाथ में फिर सामान एक्स्ट्रा लेके चलना जमता नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को इतना पहुँचाओ कि मंत्री तक ये बात जानी चाहिए। तो चलिए, तो दोस्तों अभी ना हमने ब्रेकफास्ट किया और चाय पिया उसके बाद निकल गए, और सुबह सुबह ना गाय को ना मतलब हमने चना और मूंग खिलाया, और खिला के ना काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो हमारे पास क्या था रील ऐसे रखा हुआ था, हम लेके आए थे घर से लेकिन अभी तक वो हम खुद खाए नहीं, तो इससे अच्छा सोचे कि हम गाय को खिलाते, इसी बहाने हम भी थोड़ा पुण्य कर लेंगे, ये तो कर ली है। तो दोस्तों अभी हम हाईवे पे चल रहे थे, और चलते चलते देखिए मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ एक कार का, देखो मजबूत वाला एक्सीडेंट हुआ, देख रहे हो मेरे पीछे, देखो यहाँ पे पूरा आधे से ज़्यादा रोड ब्लॉक हो गया है। चलिए अब चलते आगे, एक्सीडेंट तो होते रहेंगे, हाईवे है कुछ बोल नहीं सकते। दोस्तों अभी सुबह के बज गए हैं 9, और अभी हम तकरीबन 3-4 किलोमीटर चलने के बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। तो मैं दिखाता आपको ब्रेकफास्ट, देखिए मैं ब्रेकफास्ट में मंगाया ये पराठा, बाकी दाल है, चलो करते हैं राम जी के यही उद्देश्य। कहाँ से निकले? हम निकले हैं मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा, आज हमें 10 दिन हो चुके हैं। मैं विनती करना है आपसे कि अपने। तो दोस्तों फाइनली अभी हम चलते चलते ना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी पे पहुंच चुके हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारा नर्मदा नदी का, देखिए ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये देखिए ये पूरा नर्मदा नदी है। तो मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ खूबसूरती, ये ना मतलब ये देखिए तो गुजरात तक ये बह के जाती है फ्रेंड्स। तो दिखाता हूँ मैं आपको, तो दोस्तों ये है नर्मदा नदी जो कि पश्चिम से निकल के गुजरात तक जाती है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, देख सकते हैं कितना क्लीन और नीट है, और बहुत बड़ा भी है, मस्त व्यू है। जय माता नर्मदा मैया की जय, नर्मदे हे हर। तो दोस्तों आज हमने हमारी जर्नी सुबह 7 बजे स्टार्ट की थी, और अभी तकरीबन दोपहर के 12 बज गए हैं, और हम चलते चलते आज तकरीबन 12 किलोमीटर चल चुके हैं, 7 से 12 यानी 5 घंटे में हमारा 12 किलोमीटर कवर हो गया है। और काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद फ्रेंड्स बताओ ना, जो एक तो कंटिन्यू आज हमारा 10वां दिन है, 10वें दिन में कंटिन्यू चलते चलते ना पैर में पूरा सूजन आ गया शूज़ पहनते हुए। तो अभी हम यहाँ पर रुपये मेरे पीछे देख सकते हो, यह खलघाट पुलिस चौकी है,
ये खलघाट पुलिस चौकी के रुके हैं, तो अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि पैर में ना पूरा मजबूत वाला स्वेलिंग आ गया, चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, और खास करके मेरे तो छोड़ो सबनन के पैर में तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है और मेरे में भी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखते हैं इंदौर पहुँच के ना फ्रेंड्स, सच बोलूँ सैंडल लेना पड़ेगा क्योंकि जूता कंटिन्यू पहनते रहने से ना नहीं हो रहा है, पूरा पैर एकदम बोलो तो चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए बाकी ये मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी देखिए जस्ट हाईवे है और हाईवे के पीछे जस्ट ये खलघाट पुलिस चौकी, तो यहीं पे अभी हम रुके थोड़ा रेस्ट करते हैं, वो बाइट वाइट भी देना है शबनम को, बाइट वगैरह देगी उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। तो चलिए जय श्री राम। अरे बेटा रास्ते भर में सनातन भाइयों को इतना प्यार मिल रहा है, वो ये देख के मुझे नहीं कहते लेकिन मतलब मैं एक मुसलमान को मुझे इग्नोर कर रहे हैं, वो मेरा पूरा सत्कार कर रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों अभी तकरीबन 12 किलोमीटर चलने के बाद अभी खालघाट पुलिस चौकी में रुके और ये देखो हैप्पी हैप्पी बिस्किट खा रहा हूँ, हैप्पी हैप्पी, ये देखो उनको देखो वो भी फुल मजे में हैप्पी हैप्पी खा और हैप्पी हैप्पी बोल रहा हूँ। दोस्तों अभी हम खालघाट पुलिस चौकी में रुके थे, वहां से अभी हम लंच करने के लिए आए हैं और इस होटल का नाम है हिंदू फेमस होटल, काफी अच्छा नाम रखा है। अभी ये मेनू देख रही है, अभी ये क्या डिसाइड कर रही है, तुम लोग भी देखो ना तुम लोग के पसंद का भी कुछ खाओ पियो, वो तो देखेंगे हम, देखते हैं हिंदू फेमस होटल, देखते हैं वैसा डिश भी मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों फाइनली लंच में देख सकते हैं, अभी तो सूप आया था, सूप पी लिया, उसके बाद ये गेहूँ की तंदूरी रोटी, पनीर की भाजी, ये सैलड, ये क्या ये दाल है, ये भी दाल तड़का ही है, ये आलू आलू मटर और गोभी की भाजी है। तो चलिए लंच करते हैं। तो दोस्तों फाइनली आज था हमारा मुंबई से अयोध्या राम मंदिर पैदल यात्रा का 10वां दिन, और जो कि फाइनली 10वां दिन समाप्त भी होने वाला है, 11वां दिन स्टार्ट होएगा। अभी रात के बज चुके हैं तकरीबन 11 और हम यहाँ पे 7 बजे पहुँच चुके थे, कल हम निकले थे जुलवानिया से और जुलवानिया से निकले थे आज हम मानपुर में हैं, मानपुर में, और मतलब तकरीबन आज हमने 25 से 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, चल मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और आज की जर्नी भी काफ़ी ज़बरदस्त रही फ्रेंड्स। तो अभी एक जस्ट ये देख सकते हैं एक होटल है, इस होटल में अभी हम रुके हुए हैं, इस होटल का नाम तो नहीं बताऊंगा फ्रेंड, जस्ट हाईवे पे ही है मानपुर से, तो अभी इस होटल में हम रुके हुए हैं, बस अभी यहाँ पे इंजॉयमेंट करते हैं, हमारा डिनर भी हो चुका है फ्रेंड्स, मतलब बॉडी को रेस्ट देते थोड़ा सोते और फिर बॉडी को मतलब बॉडी को थोड़ा रेस्ट देते, कल फिर मिलेंगे एक नए उमंग के साथ, नए इंजॉयमेंट के साथ, कल एक नए ट्रिप के साथ 11वां दिन होने वाला है कल हमारा फ्रेंड्स। तो चलिए अब मिलते हैं 11वें दिन में कुछ नए इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय माता नर्मदा, नर्मदा मैया की जय।